नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग्स में शानदार रहा है। गाबा टेस्ट मैच को कौन भूल सकता है, जब पंत ने अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई। नाबाद 89 रनों की पारी खेलकर ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले सिडनी टेस्ट मैच में भी उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी। लिहाजा जब भी बात आती है चौथी पारी की, तो ऋषभ पंत से उम्मीदें कहीं ज़्यादा फैंस लगा बैठते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत हैं ही कमाल के बल्लेबाज। पर चेन्नई टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का जलवा नहीं चला, ऋषभ पंत फ्लॉप हुए। टेस्ट मैच को बचाने के लिए ऋषभ पंत से बड़ी पारी की उम्मीद थी, पर जेम्स एंडरसन की एक शानदार गेंद पर कैच थमा बैठे। घातक गेंदबाजी कर रहे जेम्स एंडरसन ने ऋषभ पंत के लिए पहले फील्डिंग सेट की। शॉर्ट कवर में खुद कप्तान जो रूट फील्डिंग के लिए आए। राउंड दी विकेट से गेंदबाजी करते हुए एंडरसन ने एंगल बनाते हुए एक लेंथ डिलीवरी डाली। गेंद हल्के से हवा में रिवर्स हुई, और इसके बाद ऋषभ पंत उसी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, पर गेंद सीधे शॉर्ट कवर पर तैनात जो रूट के हाथों में चली गई, और इस तरह ऋषभ पंत ने अपना विकेट गवा दिया। दूसरी पारी में जेम्स एंडरसन की ये तीसरी विकेट भी थी। इससे पहले उन्होंने रहाणे और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया था। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का आज पांचवा और आखिरी दिन है। चेन्नई टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत के इंग्लैंड ने चौथे दिन 420 रनों का लक्ष्य रखा। पांचवें दिन भारत ने 39 रन पर एक विकेट से आगे खेलना शुरू किया, और लंच तक भारत ने 39 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए थे। कोहली 45 रन जबकि आर अश्विन 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।